चश्मा लगा के जाएंगे तो बाप रे बोलेंगे कि करू देखो बावड़ी छे और चश्मा लग गई भाई, बाप रे बाप। बारिश देखो एकदम से कितनी तेज आ गई। वो मिले पति देव जो रोज वीडियो में देखने को मिलेंगे, तुम्हारी वीडियो नहीं मिलेगी तो व्लॉगिंग में करूंगा। क्या बना ले बाबू? मक्की की रोटी। और आपकी दीदी की आज ना पिटाई लगने वाली है अच्छी तरीके से। पिटाई इसलिए लगेगी कि आपकी दीदी को मक्की की रोटी नहीं आती है। कब तक बना के दूं यार मैं? स्वागत है हमारे YouTube चैनल खुशी शिवाय ब्लॉग्स में। तो अभी टाइम हो रहा है 11:20, हम मंदिर हो आए हैं। आशीवाय को भी लगी थी मैं कि चलो आओ अपन दोनों जन साथ में जल चढ़ाने चलते, तो उनको लगी थी। और ना अभी हमारा खाना भी बन गया है, एक ही कुकर में मैंने बनाए हैं दाल और चावल, खा लेंगे फिर थोड़ा बहुत काम है करके जाते हैं बड़गांव। वहाँ से मेरे कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह लाना है, तो शिवाय साथ जाऊँगी और उनके साथ तत्काल वापस भी आ जाऊँगी मैं, है ना बेटा? किसके किसके लिए है मामा? और आपने कुछ नोटिस करा? आवाज आई छम्मा छम्मा कापे ना बेटा छम्मा, ये कितनी सुंदर लग रही मेरे बेटे के पैर में पायल है ना लाला, देखो छम्मा। हाँ देख ली, कैसी लग रही कमेंट में बताना है ना। हेलो लो केक खिलाएगा इनको, केक फैमिली को केक खिलाओगे? हाँ तो चलो मैं इसको केक खिलाती हूँ, फटाफट से काम कंप्लीट करती हूँ, शिवाय आएंगे फिर इनके साथ जाना भी है मेरे को। तो अभी मेरे दाल चावल डबल से हो रहे हैं, आप सोच रहे होंगे डबल से क्यों रखे, दीदी ने एक बार के बना लिए थे, चावल ज़्यादा थे तो पानी कम पड़ गया तो कच्चे रह गए। और दाल को मैंने तड़का लगाई है, मतलब कढ़ाई में क्या लगाऊँ बिजी रह गई थी, दाल भी ज़्यादा थी बिजी रह गई थी, तो आपस इसमें तड़का लगाया मैंने इसको पकने रख दिया। और चावल भी इधर मेरे पक रहे हैं, पानी डाल के इनको भी रख दिया। शिवाय ना मार्केट गए हैं, बोले अब भी आ रहा हूँ, 2 मिनट में आ रहा हूँ, 3 मिनट में आ रहा हूँ, और अभी तक नहीं आए, फिर लेट हो जाएंगे, 1 बज गई है, बड़गांव भी जाना है, उधर से रिटर्न भी आना है, ये ऐसे ही तो करते हैं। मेरा बच्चा सामने रो रहा है, मैं काम करूँ फटाफट, खाना खाएंगे, बर्तन मसेंगे, फिर तैयार होंगे, फिर जाएंगे, भदभद होती पड़ती है, इसलिए बोलते कहीं जाना हो ना तो जल्दी जल्दी काम करो। मैंने तो मेरा काम पूरा फिनिश कर दिया, निपटा दिया है, बस उनके उनके लिए बैठी हूँ मैं। आज नेल पेंट भी लगाना है मेरे को, सब नेल्स के सो गए मैंने। चलो बेटा चले, बाय बुआ बाय। तो अभी ना हम जा रहे हैं बड़गांव, खाना वगैरह हो गया, बर्तन नहीं क्लीन करे, बर्तन आके क्लीन करूँ क्योंकि हम आ जाएंगे 2-3 घंटे में वापस रिटर्न। हाँ लगाती हूँ, मैं नहीं आती, आहो अपन चल रहे, चलो बैठू मैं, आहो कैसी देख रही है वो चालाक पड़ती मुर्गी मेरी। चलो फेंक दो इसको, गंदी हो अच्छी है आहो वो। उधर मेरे गांव का रोड ही नहीं बना, कब से खुदा हुआ है, 4 से 5 महीने हो गए तब रोड ही नहीं बना, और गांव में भी बना है तो आधा अधूरा, आधा इधर की साइड आधा उधर की साइड, देखना आपको मैं बताऊंगी। यही बारिश होती तो और ज़्यादा कीचड़ हो जाता है, तो यहाँ से अभी और बनना स्टार्ट हो गया है, छोड़ा कर दिया ना, ये देखो आधा यहाँ तक बनेगा फिर नहीं बनेगा, अभी इसको गलत साइड गलत चल दो आप, आधी दूर तो है यार, कीचड़ है, स्कूटी ना फिसलती है। और मैंने चश्मा निकाल दिया है क्योंकि गांव है ये, चश्मा लगा के जाएंगे तो बाप रे बोलेंगे कि करू देखो बावड़ी छे और चश्मा लग गई भाई, बाप रे बाप। चश्मा निकाल दिया, ओह यहाँ से पूरा ही बन गया, कौन बोलेगा न्यू रोड है ये, दशा देखो रोड की पूरा ही खराब। कहा जा रहा दादी बाबा जा रहे हैं बेटा, इधर का बच्चे इधर का बताएंगे, इतने खतरनाक
के रोड पे वापस लगे। मछली पकड़ने का काम चालू, जाल बिछा रहे ना बाबू। मेरे को ये प्लेस सबसे ज्यादा अच्छी लगती, बताओ क्यों? क्योंकि ना यहाँ पे सारे पेड़ मिले हुए हैं, शानदार वाला। डैडी माँ कहाँ है? डैडी माँ डरा लो दादा, किसके पास आया तू? दादी चिल्ला रही रास्ते भर से, दादी माँ दादी माँ। हम यहाँ पे आए और पापा सत्यम भी और ये लोग तो ओंकारेश्वर गए, पता है चश्मा निकाल दिया था ना, तो आंखों में से पानी आ रहा है, बहुत दर्द कर रही है, वापस लगाना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पे भी इन लोगों की आँखें आ जाएगी, बहुत दर्द कर रही है। डॉक्यूमेंट वगैरह निकालती हूँ मैं। सो इधर हम खा रहे हैं खीरा, और मम्मी पता है भुट्टे भी ले आई हमारे लिए, अभी किए रखे हैं और गाड़ी में भी रख दिए हैं, स्कूटी में अभी से टांग दिए मम्मी ने। अब के जीजू को देखो ना, मस्त आराम से श्राम चल रहा है इनका, फोन चला रहा है, जाओ आप भी खीरा खा लो। प्रिंसी तो गई है उसकी दादी माँ के साथ घूमने के लिए, और पापा सत्यम भी और ये लोग ओंकारेश्वर गए। बनाओगे तुम? तो इतने ध्यान से रेसिपी देख रहे हो? आपके जीजू ना रेसिपी देख रहे हैं, बनाते करते कोई नहीं, ध्यान से देखते हैं कि हाँ अब क्या होगा, अब क्या होगा, बनने पे कैसा लगेगा ना। बनाते एक दिन नहीं बनाए तो मेरे को बोलते बाबू मेरे को बना खिला दो, बोलते हुए थोड़ी ना है। देखो हम बैठे हैं, देखो हवा आपकी कितनी खतरनाक आ रही है। खतरनाक हवा चल रही है, साथ में बारिश भी आ रही है, पानी उड़ा देगा, हवा पानी उड़ा देगी। बेटा पन्निया लेके चलो, अंदर ले जाओ पन्निया, अंदर ले जाओ, हाँ ये भी ले जाओ। हाँ मम्मी जाओ जाओ अंदर जाओ, मैं निकाल लूंगी। हटो ना बेटू, तुम भी रास्ते में आ जाना हर साल। अंदर आ जा बेटा, अंदर आ जा। आ गया पानी, तार पे मम्मी डाल देते, हाय बाप में कपड़े फट जाएंगे कहीं। और पतिदेव गांव के मजे ले रहे हो तुम? बारिश देखो एकदम से कितनी तेज आ गई, धनों को धो दो बाबू। लो दादी माँ को बाय बोलो। नहीं हाँ, प्यार कर दादी माँ को, नहीं करती लो। दादी माँ आशीर्वाद दो हमको। चले अब, माँ ने तो धोख ले लिया, आप तो धोख देते ही नहीं हो दादी माँ को, गंदे बच्चों पुच्ची से काम थका लो। हाँ धोख दोगे? हाँ आप दे दो, धोख दो दादी माँ को, धोख दे दो, दो धोख दो। चरण स्पर्श करो, करो करो करो, चरण स्पर्श कर। मैं करूँ? हाँ ले। ओ मेली दादी माँ के चलन स्पर्श मेली माँ के कर दिए। डेडा खरा चरण स्पर्श करो माँ के, कितने बेकार हो तू, करो अब दादी माँ के चरण स्पर्श करो बेटे। मैं डेडा के पाँव पढ़ू, हाले में पढ़ती हूँ। ओ मेले पति दे छाप के पैर पड़ो। तो अभी टाइम हो रहा है 5:32, हम बड़गांव से शायद 4 बजे आ गए थे, आए शिवाय की आंखों में ड्रॉप डाली, फिर मैंने ड्रॉप डाली, फिर उसके बाद में शिवाय तो चले गए थे चाय पी के, फिर बर्तन वगैरह क्लीन करे, झाड़ू पोछे करे, फिर बेटे के ठंड के जो कपड़े थे, जैसे कहीं घूमने जाओ तो नॉर्मल से पिना कर लेके जाओ मोटे कपड़े, तो निकाले उनको सबको वॉश करके डाले हैं, मतलब ऐसा कि ठंडी हवा चल रही तो बच्चे को हवा नहीं लगना चाहिए, इस हिसाब से कपड़े थे जो वॉश करके डाले, फिर जूते वगैरह धोए शिवाय के शूज़,
और अभी थोड़े बर्तन वगैरह क्लीन करके और दाल को पका के बैठी हूँ। आज मैं बनाऊंगी चोटई दाल। किसने किसने नाम सुना है, बहुत टेस्टी लगती है पता है। तो मतलब गर्मियों की छुट्टी में बहुत सारे बच्चे इकट्ठे होते थे ना हमारे घर, तो मम्मी बोलती थी क्या खाओगे क्या बनो, चोटई दाल बोलते थे नहीं तो दाल बापले बोलते थे। मम्मी के हाथ की दो चीज़ बहुत टेस्टी रहती है। मैंने दाल पकाई है, मम्मी को बोला है कि तुम आना और उसको तड़का लगा के जाना। अपन बना अपने हाथ का टेस्ट इतना अच्छा नहीं जितना मम्मी के हाथ का रहता है। मम्मी के हाथ का खाना लाजवाब रहता है सच्ची में। दाल बनवाएंगे मम्मी के हाथ से और मैं बनाऊंगी मक्की की रोटी सेकेंड टाइम। फर्स्ट टाइम कब बनी थी मेरे को तो याद नहीं है, आती नहीं है मेरे को मक्की की रोटी बनाते, बट फिर भी ट्राई करूँगी। और ना अभी तो आँखें दर्द कर रही है, ड्रॉप डाल दिया, ड्रॉप अच्छा था पता है। बड़गांव से ना भुट्टे लेकर आई थी तो मैंने सिर्फ दो भुट्टे रखे और मम्मी के घर दे दिए। मैंने बोला था किस बनाना है, मम्मी बोले इतने सारे जाने किस नहीं पूरे का, एक एक भुट्टा सब खा लें। मेरा लाल बेटा तो गाड़ी भी सो गया था, अंदर सोया है। अब घूमने जाने का क्या है, आपके जीजू से पूछती हूँ ले जाए तो अच्छा है। आए हैं हमारे बेटे पप्पू भैया। काय से खेल रहे पप्पू? डॉगी। क्या है? डॉगी। तुतू। क्या है? तुतू। इधर आ, इधर ले जाएगा, घर ले जाना हो, घर ले जाना है ना बेटे। मेरा छोरा कितना अच्छा खेल रहा है, उसके साथ ले जाना हो क्या, आपने ले जाना है ना। और ये इधर है कि खाना नहीं खा रही है, खाना पीना सब छोड़ दिया, इसके लिए दाल चावल लेके बैठी। गुड्डू के हाथ से तीन चार चम्मच बड़ी मुश्किल से खा रही। काची मेरे बच्चे को तेजा चिन्ना है क्या अभी? हाँ अरे तुम तो लाठ मारते हो यार भैया, गलत बात है यार ये तो। मम तू नहीं ओ हाय हाय कैसे हो आप सब? बना कैसे हो आप सब, आ जाओ। रिंसी ब्लॉगिंग कर रही है। आ जाओ छब आ जाओ है ना, बोल दे आ जाओ। दादी माँ आ जाओ, दादी माँ आ जाओ। बेटा तेरे को वीडियो बनाने की इतनी क्या पड़ी रहती है, बंद कर देना यार। मेरी औलाद को ना वीडियो बनाने की देख कितनी पड़ी है, बस कर ले बेटा। कौन आया? किसके हैं? किसके कौन आया है? छीछी कर ली ना, मेरे को पता था। चल खड़ी हो जा, बढ़िया या वो डेढ़ा वाली कर ली छीछी। अच्छा हुआ उसको पजामा पहना। जैसे इसके पापा की गाड़ी का ब्रेक लगता ना मम्मा आबू डेडा आ गए। मेरे को नहीं सुना था, उससे पहले उसको सुना जाता है कि आबू डेडा आ गए। पापा की गाड़ी का ब्रेक लगा तो उठ के भागी। चल छीछी धुला, बिस्तर मत गंदे करे मेरे। चल हाँ चल जा, गेट खोल तेरे डेडा आए जा, मेरा कम्बल मत खराब कर देना। चल उधर समझा लेना इसको। डेडा को मार क्या? डेडा ने करा बेटा, हिंदी डेडा की जैसे डेडा है ना दे। तेरी मम्मा को समझा लेना। मैं किसकी बेटी है तू? मार की डेडा की? किसकी बेटी है? आप डेडा इधर आते जा, आप डेडा की बेटी है किसी तरह। किसकी बेटी है तू? हाँ जा, अब आना मत बुझी पे ना है ना। मंगेगी तू? नहीं। मंगेगी बुझी? नहीं। आप आप नई वाली सही में भी मुझे नहीं दूंगी है ना। इधर दे मुझे मांगेगी? नहीं। डेड आप मेरे तरफ से तय कर, इसी बेकार लड़की है। हाँ फ्रेंड्स, मेरे ना आँखें आ गई है बहुत ज़्यादा। जल्दी जल्दी 1,00,000 सब्सक्राइबर करवा दो, फिर जीजू रोज वीडियो में देखने को मिलेंगे। तुम्हारी वीडियो नहीं मिलेगी तो ब्लॉगिंग में करूँगा। कितनी बार बोल चुके हो तुम? आज तक नहीं बोला। कमेंट में जल्दी बताना आज तक जीजू ने ऐसा बोला हो तो। आपको भी पता है ना, आई एम ऑलवेज राइट।
आपको कमेंट में एक चीज जरूर बताना कि दीदी अच्छी लगती है जीजू। जीजू का भी फास्ट, भले मैं कभी कभी दिखता हूँ या रोज देखू, पर एक चीज बताना शिवाय अच्छे लगते हैं या फसी। अगर शिवाय के फैन ज्यादा है तो कमेंट में शिवाय ज्यादा आए ना चाहिए बस। खुशी अच्छी लगती है तो खुशी ज्यादा आना चाहिए, और प्रिंस से अच्छी लगती है तो प्रिंस। एक बात और है ना, खुशी आएगा ना शिवाय आएगा, सबसे ज्यादा प्रिंस ही आएगा, सबसे ज्यादा शिवाय आएगा। तो फ्रेंड्स प्लीज कमेंट नाउ फर्स्ट नाउ एंड नेक्स्ट ब्लॉग, सबसे ज्यादा शिवाय आना चाहिए है ना। जिसकी सबसे ज्यादा कमेंट आएगी ब्लॉग उसका आएगा, शिवाय या खुशी देख। सबसे ज्यादा शिवाय आएगा। क्या बना लो बाबू? मक्की की रोटी। मेरी आंखें आ गई ना, लोग गलत गलत कमेंट करेंगे। और तो अभी हमारा खाना बन रहा है, और आपकी दीदी की आज ना पिटाई लगने वाली है अच्छी तरीके से। आपकी दीदी की पिटाई इसलिए लगेगी कि आपकी दीदी को मक्की की रोटी नहीं आती है। कब तक बना के दूँ यार मैं हर बार? तुम बासी रोटी बनाते? अभी मैंने नेक्स्ट लो 2 दिन पहले ही बनाई थी ना रोटी, आप सबको पता है। अभी मेरी आंखें आ गई ना तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपको पता है ना रोज शिवाय खाना बनाते हैं? हाँ ऑब्वियसली, क्योंकि खुशी की शिवाय में जान बचती है तो शिवाय खाना बनाते हैं। ये देखो ना, ये शिवाय ने बनाई है मक्की की रोटी। अभी मैंने बनाई, बाप रे बाप कितना झूठ बोल। और ये देखो लाडो, मम्मा अच्छी है डेडा बोल। आपका नाम क्या है? लीडा का नाम क्या है? लाडो बोल। आना कुशवा दो कर, मैं ही बोलती आप, मैं कुशवा नहीं बोलती। क्या है आना क्या है? ले पुच्ची दे दे अपने फैंस को। लाडो फ्लाइंग किस करते हैं सबको। हाँ तो गाइस, प्रिंसी और हमने ना अभी प्रिंसी के भावा को ड्रेस पहना दिए। ये देखो डंगरी कैसा लग रहा है बताओ। ये पूछो लाडो कैसा लगला? तू तो दही, तेरी ड्रेस ले ली लाडो उसने, अब नहीं देगा वो। जा मम्मा को बोल क्या, आपके मम्मा को बोल क्या। एवरीवन, तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। सभी के लिए बाय बाय, गुड नाइट, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए और हमको ढेर सारा प्यार करते रहिए। बाय।